नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज जैसा कि आप लोग को पता है कि UPTET 2018 की जो रिवाइज्ड आंसर की थी वो आ गई थी, और हमने एक लाइव सेशन भी चलाया था जिसपे सबसे पहले आपको बता दिया था कि आ गई आंसर की। सभी ने अब तक तो सबने चेक भी कर ली होगी। तो आंसर की देखने के बाद बहुत से लोग निराश भी हैं, और हमने उसका पूरी तरीके से विश्लेषण किया है। तो अब हम देर न करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो आयोग ने अपना नई रिवाइज्ड आंसर की दी है उसमें उन्होंने कितने क्वेश्चन, जो वैसे तो 10-11 क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन्होंने सभी को दरकिनार कर दिया, और 6 क्वेश्चन में उन्हें टोटल जो दिखी गलतियाँ जिसपे उन्होंने फिर से रिवाइज्ड में अपना चेंज किया है। तो सबसे पहले जो उन्होंने किया है वो है CDP जो था, उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पे कॉमन मार्क्स दिए हैं, कॉमन मार्क्स जो सभी को मिले होंगे, +1 मार्क्स थे। और जो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर जो थे, मतलब सॉरी आंसर नहीं कह सकते, ऑप्शन जो थे वो अब चेंज कर दिए हैं उन्होंने, जो कि पहले अलग थे। जैसे पहले अगर ए था तो अब आयोग ने माना कि नहीं ऑप्शन बी था। तो ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर थे जिनको उन्होंने इस टाइप से किया, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो कॉमन नंबर जो सभी को मिले हैं, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था सभी को मिले हैं। सेकेंड आपका है हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें भी 3 क्वेश्चन थे, पर इन 3 क्वेश्चन में तीनों में कोई कॉमन नंबर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ इनमें क्या किया गया है कि ऑप्शन बदल दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो टोटल ये जो थे वो 6 क्वेश्चन थे। तो आयोग ने मतलब पूरी बात नहीं मानी, जिन लोगों ने कहा था कि 12-12 क्वेश्चन गड़बड़ हैं, सभी ने दर्ज कराए थे अपनी आपत्ति। तो इस कारण से अब जिन लोगों का भी हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, और जिनका भी किसी का एक नंबर से या जितने भी मार्क्स से रुक गया है तो अब उनके लिए क्या, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो आगे के लिए प्रिपरेशन करें, या सेकेंड आप ये कर सकते हैं, या सेकंड आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो भी आपत्तियाँ आई हैं उनको कोर्ट तक ले जाइए आप, क्योंकि बहुत से लोगों का अभी भी आपत्ति है, निराश ज़्यादा लोग हैं कि कुछ सही नहीं हुआ है उनके साथ में। बहुत से क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन था तो जो आउट ऑफ सिलेबस था उसको भी नहीं हटाया गया है। और आप लोग जैसा बोलेंगे कमेंट में हम लोग को बताइए कि क्या करना चाहिए, और आप जो सभी आप लोग निर्णय लेंगे वही सभी को करना, हम लोग उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि जिस कैटेगरी के हैं आप, तो उस कैटेगरी में आप बताइए कि आपका पहले कितना आ रहा था और अब कितना आ रहा है, और हम लोग फिर आगे की रणनीति उससे आगे की तय करते हैं। तो जैसा आप कमेंट में बताइए जो भी हो, और आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।